आप लोगों को से अपील करता हूँ थोड़ी शांति बनाए ताकि हम कैंपेन सॉन्ग से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उसके बाद हम संकल्प अपना आपके सामने रखेंगे। प्लीज कैंपेन सॉन्ग दीजिए। ये हट जाओ ये सामने से। कैंपेन सॉन्ग दीजिए। Oh,
मेरे जनता दल को वोट दी इस बार। शुक्रिया साथियों, आपने कैंपेन सॉन्ग देखा। अब मैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी से और अपने तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, एक बार खड़े होकर के हम थैंक यू साथियों, इससे पहले कि मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करूं कि कुछ मूलभूत बिंदुओं पर अपनी बात रखें आपके समक्ष, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये प्रण हमारा है संकल्प के बदलाव के साथ जो कि सच होने वाला है। एक एक बिंदु जो आप देखेंगे उसके पीछे पूरी की पूरी एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कि हम कैसे करेंगे। साथियों, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है, आज से 20वें 21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी, आज तक के जो भी ऋण होंगे। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो अपने आप में अर्थव्यवस्था को, सरकार को बड़ी चिंता होती है, हमारी सरकार आते ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में रिवेन्यू जनरेशन पर भी काम होगा कि राजस्व किस प्रकार बढ़े। बिहार की मौजूदा बिजली दर इतनी कम हो जाएगी कि लोगों पर से जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा। हमारा ये भी कहना है कि जब मिथिला में GI बिहार, वो GI मिथिला होगा और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्योग पहली बार आएंगे। बिहार में शिक्षा बजट शायद पहली बार हम 22% करने वाले हैं, 22% राजकीय बजट में शिक्षा के बजट का हिस्सा होगा। उसके अलावा बिहार युवा आयोग के गठन पर बाकी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा कर्मी, रसोईया सबके के बारे में जो अब तक बात हुई है कि दोगुना से ज़्यादा किया जाएगा। गांव और शहर की सुविधाओं के फर्क को हम खत्म करके रख देंगे। और आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन योजना लाने को हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे वित्त रहित महाविद्यालयों के बारे में बात हुई, वित्त रहित विद्यालयों के बारे में उनके कर्मचारियों की समस्या का निदान होगा। कंप्यूटर शिक्षक जो आंदोलनरत हैं उनकी समस्याओं का निदान करके उन्हें भी स्थायी किया जाएगा। संविदा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी इस बिहार में, नए बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब मैं आग्रह करूंगा कि मूल दो चार बिंदुओं पर तेजस्वी जी आपके समक्ष अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू जी, आदरणीय श्याम रजक जी, मनोज झा जी, लवलियानंद जी, मृत्युंजय तिवारी जी, सुनील जी, कारी शोहेब जी यहाँ आज उपस्थित हैं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया, ये हम लोगों का प्रण है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है, स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग
के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया है। इसमें आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का संदेश भी इसमें बिहार के लोगों को दिया गया है। हमने पहले भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है, रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ, लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं, स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में 60% जूनियर इंजीनियर पद जो है वो, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है जो होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियाँ जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है, हमको बिहार बेहतर बनाना है, जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियाँ मिला के टोटल 10 लाख हो जाए। का वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे तो हम लोग भी बोलते हैं भाई 50 लाख नौकरियां देंगे, हम लोग भी शुरू से बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को 10 लाख में हाथ खड़े कर दिए थे कि कहाँ से देगा पैसे, कहाँ तो बीजेपी कहाँ से देगी, कौन करेगा नेतृत्व? तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। अब कहाँ है, जल्दी स्वस्थ हो जाए हम लोगों की शुभकामनाएं। लेकिन यही सुशील मोदी जी ने 2 बयान दिए थे, आपको याद होगा 3 बयान कि संसाधनों की कमी है, जब मजदूरों को लाने की बात की जा रही थी। एक बार अपराधियों के सामने हाथ जोड़ लिया था पितृपक्ष के महीने में, चौथा हाफ पैंट में ये भागे थे जब पटना में जल जमाव था, पर चौथा जो बेइज्जती इन्होंने करने का काम किया, जो रोजी रोटी कमाने जो मजदूर पलायन करके जाते हैं, बोलते शौक के लिए जाते हैं,
मजे के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। तो ये है बीजेपी का चेहरा बिहार में, ये है। और चिट्ठी निकाला जाता है कि मजदूर भाई अगर आएंगे तो अपराध बढ़ जाएंगे। अब क्यों खामोश है भैया सरकार? क्या हुआ, कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं होगी जो 40 लाख से भी ज़्यादा मजदूर आए? लेकिन सबके आँख ज़रूर खुल गए थे कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार में हुआ है, किसी ने देखा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब लोगों का जो आँख था वो खुल, जो पर्दे लगे थे वो पर्दे, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। और एक बात और, नियोजित शिक्षकों को जो था समान काम समान वेतन, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान वेतन हम लोग करेंगे। जो 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है, कृषि का हमारा क्या प्लान रहेगा इसमें विस्तार रूप से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है। आज तक हवा हवाई बातें हुआ करती थी, लेकिन ये हमारा संकल्प है, संकल्प बदलाव का, ये हमारा प्रण है जो सच होने वाला है, और ये हम करके दिखाएंगे। हम बार बार कहते आए हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी नहीं संभल रहा, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, और कोई इससे जुड़ा हमारा प्रोग्राम है 13 जगह प्रोग्राम लगा हुआ है, क्योंकि आज सिर्फ इसको रिलीज करने की बात है।